यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रदेश की राजधानी सहित 30 शहरों में चल रहे घोर जल संकट को कांग्रेस ने पेयजल आपातकाल बताया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि ये आज तक का सबसे बड़ा पेयजल संकट है। शिमला में उन्होंने कहा कि पीने के पानी की इतनी कमी राजधानी और प्रदेश के बड़े शहरों में कभी नहीं हुई है और भीषण गर्मी में सरकार के साथ ही आईपीएच विभाग का पूरा प्रशासनिक ढांचा धराशायी हो गया है। शिमला शहर में भारी पेयजल संकट ने पर्यटकों के सामने हिमाचल प्रदेश की नाक कटवा कर रख दी है और पानी के नाम पर पर्यटकों को लूटा जा रहा है और इससे पूरे देश में राज्य की फजीहत हो रही है। सुक्खू ने कहा कि सरकार इतने दिनों से चले आ रहे जल संकट को दूर करने के लिए कोई ठोस योजना ही नहीं बना पाई है। इससे साफ पता चलता है कि अनुभव की कमी के कारण सरकार अपने अफसरों से काम नहीं ले पा रही है।